सो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेपाल के 5 ऐसे खतरनाक प्लेयर जो सच में नेक्स्ट लेवल गेम खेलते हैं। एंड मैं इस वीडियो में मोबाइल प्लेयर प्लस पीसी प्लेयर दोनों का ही नाम लेने वाला हूं। सो आप लोग ऑफेंड मत हो जाना, अगर हो भी जाते हो तो क्या ही उखाड़ लोगे। सो नंबर 5 पे आते हैं लाका गेमिंग। अभी के टाइम पे इनका काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है क्योंकि सबका मानना ये है कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं जहां एक तरफ खुद होते हैं और दूसरी तरफ अपने ही बंदों को कस्टम में बुला के मारते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर से बताना। एंड इनकी गेम प्ले की बात की जाए तो इनका गेम प्ले एकदम नेक्स्ट लेवल है क्योंकि भाई वन टैप के सिवाय बात ही नहीं करते। तो आप इनका यहां पर छोटा सा क्लिप देख सकते हो और पता लगा सकते हो कि इनका गेम प्ले कैसा है। और आपको इनका गेम प्ले कैसा लगता है वो भी मुझे कमेंट करके बता देना क्योंकि अभी के टाइम पे इनका काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं शंका हो रहा है कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते। मन्नत पूरी तुमसे ही दिल गए। लगे मैं हैकर ऑलवेज ओपन द चैट। साला ये तेरे को अभी धमकाने के लिए किसी ने बोला था आराम कर। आप कर हैकर है भाई, लगे मैं ऑलवेज हैकर ओपी बोलते। अबे ये कहां से आ गए बीच में? हेलो डानी, कहाँ जा रहे हैं? लाल मरने जा रहे, चलेगा क्या? सो जिसको भी लगता था लाका गेमिंग स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं तो लगभग उनका भी डाउट क्लियर हो चुका होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड का मैच दिखाया और ट्रेनिंग ग्राउंड पे लाका गेमिंग ने बंदों को क्या ही धोया। नंबर 2 पे आते हैं 2B गेमर। नेपाल की बात हो और 2B गेमर की ना हो तो मजा नहीं आएगा। सो इनका चैनल पे रिसेंट टाइम में 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। एंड इनकी कॉन्टेंट की बात करें तो ये गेम प्ले से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, वही बीच बीच में प्रैंक भी करते रहते हैं। कभी इनके मैच में राइट स्टार आते हैं तो कभी अज्जू भाई। हाँ ये बात अलग है कि सबके सब फेक होते हैं लेकिन मजा बहुत आता है। एंड इनके फेवरेट गन की बात की जाए तो ये फार्मास बहुत अच्छा चला लेते हैं। सो आप लोग इन्हीं का छोटा सा क्लिप यहाँ पे देख सकते हो। भाई ये लोग मिलके मार 3-4 साल से मार रहे हैं ना, ऐसे मार दो, मारो 2B। इधर ही है, पूरा 4-4 सामने ही। हेड नहीं लगा ये वाला, चलो लगेगा, अब लगेगा। ओपी ओपी ओपी, ओ भाई ओ सुमित भाई, मैं तंग पर की थी तू से बॉस को गया था बता है आपका तारीफ सुन सुन के। ओ अब एक हाथ छोड़ दो, चलो मान जाऊंगा, एक हाथ छोड़ दो कोई सा भी। नंबर 3 पे आते हैं टोंडे गेमर जो नेपाल के सबसे खतरनाक यूट्यूबर माने जाते हैं। एंड इनकी यूट्यूब चैनल पे 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है। एंड इनकी गेम प्ले की बात करें तो 1v1 से लेके 1v4 सब क्लच करने की हिम्मत रखते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इनका वर्सेस राइट स्टार के साथ भी हो चुका है जो कि एक तरफ टोंडे भाई का स्क्वाड था तो दूसरी तरफ राइट स्टार का स्क्वाड। फिर क्या हुआ आप लोग खुद ही देख लो। पूरा घुस गए थे मेरे अंदर भाई। नंबर 4 पे आता है नॉट एक्सिड जिनको कई सारे बंदे नेपाली भिनसेन जो भी कहते हैं। एंड इनको भिनसेन जो का टैग ऐसे ही नहीं मिला है बल्कि इनकी गेम प्ले की वजह से मिला है क्योंकि ये बंदा इतना खतरनाक है कि 1v4 तो चुटकियों में क्लच कर देगा। तो आप लोग यहाँ पे छोटा सा गेम प्ले देख सकते हो। यहाँ पे नोटा ने भी किया है बट क्या यहाँ पे कम बैक कर पाएंगे नॉट एक्सिड? अकेले प्लेयर यहाँ पे बचे ठीक है, नोटा अकेले प्लेयर यहाँ पे बचे हैं। क्या तीनों चारों तरफ ग्लूवल लगा पाएंगे? भाई स्पीड देखो नोटा की तुम, बट भाई 3 प्लेयर हैं सामने वो भी जबरदस्त वाले। और ओ भाई ओनली रेड जी गाइस, एक प्लेयर अंदर घुसा उसको भी हेडशॉट। आर यू क्रेजी मैन, आर यू व्हाट भाई 1v4 भाई गाइस यहां पे बहुत अच्छा खेल रहा है वो, सिर पे एम आ गया था वो जेटली भाई नॉक है।
इकलौते बचे हुए हैं। अरे भाई So, अब हमारा लास्ट बंदा बचा है, तो जल्दी से गैस करो कि नंबर वन पे कौन हो सकता है। इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट में उसका नाम लिखना शुरू कर दो। सो अभी तक मैं आप लोगों ने नाम भी लिख दिया होगा, तो मैं बात करना चाह रहा हूँ जेरोक्स एफएफ के बारे में, जो कि एक मोबाइल प्लेयर है। लेकिन ये मोबाइल प्लेयर 4 PC प्लेयर के बराबर है। सो क्या आप इनको पहले से ही जानते थे? अगर नहीं भी जानते थे तो आज मेरी वजह से जान गए। तो ठोको यार लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप लोग इनका छोटा सा गेम प्ले भी यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर कर दो यार, ताकि मेरा भी वीडियो वायरल हो सके। और आज की वीडियो थोड़ा सा छोटा था, तो उसके लिए बुरा मत मानना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना रहा, बाय।